क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो डीवीडी प्लेयर है इसके साथ हम इस तरह का कोई ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर पाएंगे? तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर इस डीवीडी प्लेयर को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, यानी इसमें ब्लूटूथ को यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे फोन से कनेक्ट करके यहाँ पर एक सॉन्ग या म्यूजिक आपको चलाकर दिखाऊंगा। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। होते हैं आपके पास, उसमें आपको बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पीछे की साइड में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इनपुट पोर्ट्स भी होते हैं एंड सेकंड थिंग दोस्तों यहाँ पर आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह की इस डिवाइस को बना लेना है। और अगर आप भी इसे डिवाइस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, उसको जाके आप देख लेना। तो ये है देखिए दोस्तों आम ब्लूटूथ, जिसे हम कान में लगा के लोगों से बात करते हैं वही ब्लूटूथ है दोस्तों। इसमें से मैंने आउटपुट के रूप में यहाँ पर एक आरसी केबल का मेल यहाँ पर कनेक्टर निकाला हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी होम थिएटर को, किसी भी एम्पलीफायर को एकदम ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं। तो अब देखिए एक सेकेंड लगेगा इसे ब्लूटूथ बनाने में। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ इनपुट पोर्ट्स होते हैं जिसमें ऑडियो के इनपुट दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो डीवीडी प्लेयर है बहुत सारे एम्पलीफायर के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, इनपुट को ले सकती है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इनपुट वाले सेक्शन को ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ब्लूटूथ को पहले कनेक्ट करेंगे और बहुत सारे पोर्ट्स में लगा के देखेंगे, सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और उसे अपने सेलफोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद इसे सेलफोन से कनेक्ट करूँगा। और सेलफोन से कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हमें आगे कैरी ऑन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपने जो ब्लूटूथ है उसे यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया कनेक्टेड। तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है सॉन्ग, इसको मैंने यहाँ पर प्ले कर लिया है। तो अब जो म्यूजिक है आपका वो यहाँ आउटपुट पे आपको आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, डीवीडी प्लेयर को ऑन करना है। तो मैंने यहाँ पर डीवीडी प्लेयर को ऑन कर लिया है, और इसे ऑन करने के बाद ये देखिए वॉइस भी आना स्टार्ट हो गई। ये हमारा स्पीकर रखा हुआ है, ये देखिए बहुत बड़ा सा स्पीकर है हमारे पास, ये मैंने कनेक्टेड किया हुआ है डीवीडी प्लेयर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सारे पोर्ट्स में वन बाय वन लगाकर देखेंगे, चेक करके देखेंगे किस पोर्ट में आवाज़ आ रही है। तो पहले में लगाते हैं, तो पहले में आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, और आवाज़ वॉइस में थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी तो वॉइस नहीं आ रही है, एंड सेकंड पोर्ट में लगा के देखते हैं इसके। सेकंड पोर्ट में देखिए ना वॉइस स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड पोर्ट में वॉइस आ रही है यहाँ पर, यानी ये जो है इनपुट ऑडियो सेक्शन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सेलफोन है यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है, वो भी वायरलेस तरीके से। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसे पूरा बंद कर सकता हूँ और यहीं से इसे ऑन भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने सेलफोन को अपने स्मार्ट टीवी के साथ, अपने डीवीडी प्लेयर के साथ, एम्पलीफायर के साथ, होम थिएटर के साथ, किसी के साथ भी एकदम वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये घर पर अगर आपके कोई ख़राब पड़ा हुआ है तो उसके सारे आप इसे बना सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।